गुड इवनिंग। जैसे कि कल हमने ब्लड रिलेशन के फर्स्ट टॉपिक में आखिर ब्लड रिलेशन की शुरुआत किस तरीके से करनी है, हमें ब्लड रिलेशन के बारे में कौन सी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उसी पार्ट को आगे लेते हुए मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की शुरुआत करने वाले हैं। ओके, सो आप में से जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है उनके लिए क्या आज का लेक्चर कुछ काम का होने वाला है? ऑब्वियसली ओके, आप ऐसे प्लस से जुड़े हो सो आपको हर एक चीज समझ में आएगी, भले ही आप उसे थोड़ा लेट ज्वाइन करते हो फिर भी। ओके, तो कैसे कल के जो बच्चे ज्वाइन थे उन बच्चों से मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो वो रिटोरिकल क्वेश्चन रहेंगे, उनके जवाब भी मैं ही देने वाला हूँ आपको, बट स्टिल मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और मैं आपसे जवाब चाहूंगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहली चीज जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है वो कौन सी है? इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे। ओके, इंग्लिश के अलावा सेकंड चीज क्वेश्चन को अच्छी सवाल तरह में समझना क्या? चाहिए। ओके, हाँ वही हाँ बोल रहा था मैं। यस, ओके जी। ओके ओके, सो ओके अंडरस्टैंडिंग। ओके, और बाकी दो चीजें जो मैंने आपको विद इन लेक्चर्स बताई थी, आई थिंक आपने उन्हें नोटिस किया होगा या नहीं। व्हेन यू आर सॉल्विंग अ रीजनिंग क्वेश्चन आप करना। एक डिटेक्टिव बोल के काम करते हैं, राइट? आप एक डिटेक्टिव बोल के काम करते हैं, तो सबसे पहले आप क्लूज इकट्ठा करते हैं, देन उन्हें ज्वाइन करते हैं, एंड वाला यू विल गेट द सॉल्यूशन, राइट? कैसे? इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज के हमारे जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस रहेंगे वो एज कंपेयर टू बेसिक क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे, थोड़े से, नॉट सो मच, बट थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, ये पहले मैं आपको क्या कहते हैं तैयार कर देता हूं कि आपको आज किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्या आपने मेरा कोडिंग का लेक्चर देखा हुआ है? हर किसी ने? जी जी सर जी। ओके, नो जिन्होंने जिन्होंने सर। कोडिंग का लेक्चर देखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज देख लेना। आज मैं आपको उसी से रिलेटेड आगे बातें बताने वाला हूँ। व्हाट इज कोडिंग? सर आप ब्लड रिलेशन सिखाने वाले थे ना, सबर सबर। ओके, आखिर कोडिंग क्या होती है? कोड यानी एक सिंबल, जब कुछ और बता रहा होता है तो उसे हम कोडिंग कहते हैं। किस तरीके से? जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा, जिन बच्चों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा है क्या मुझे बता सकते हैं मैंने क्या लिखा है? एक क्या लिखा है मैंने? नाइनटीन मतलब ऐसे यस, ओके, तो तुम्हें समझ में आ जाना ये सुपीरियर क्या लिखा है मैंने। लिखा यस, सुबोध लिखा है मैंने। सुबोध। यस, ओके, सो दैट्स द थिंग। इस तरीके से कोड होते हैं, एक चीज दूसरे चीज को रिप्रेजेंट करती है। अभी यहां पर मैंने क्या लिखा और ये नंबर से सुबोध नाम मैंने कैसे लिखा, इसमें जिसको कंफ्यूजन है प्लीज वो लेक्चर देख लीजिए, आपके पूरे के पूरे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ओके, तो फिर क्या ब्लड रिलेशन में कोडिंग होती है? बिल्कुल, ब्लड रिलेशन में भी कोडिंग होती है। किस तरीके से ब्लड रिलेशन में कोडिंग होती है? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मीन्स ए डिवाइडेड बाय मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज मैरिड टू बी। क्या ये तुम, मैंने अभी जो कोड लिखा है वो पूरा का पूरा याद कर लोगे या नहीं, बताओ मुझे पहले। जी सर। नहीं करना है, ओके, फर्स्ट थिंग तुम्हें ऐसा रट्टा नहीं मारना है। क्यों? कोड हर बार बदलेगा। कोड कैसे बदलेगा? मान लो मैं एग्जाम सेट कर रहा हूं, तो मैंने लिखा ए अपॉन बी मीन्स ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ,
देखो तुम्हें कोड कभी याद नहीं करना होता है। क्यों नहीं याद करना होता है? क्योंकि वो बदल सकता है। जो चीजें बदलती है उन्हें हम याद नहीं करते, जो चीजें हमेशा कांस्टेंट होती है हम उन चीजों को याद करते हैं। मैंने लिखा हुआ, हर किसी को समझा नहीं समझा? अगर नहीं समझा होगा तो बोलो, तुम्हें से और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। मैं आपके रिस्पॉन्सेस की राह देख रहा हूं। ओके डिटेल में लो ना एक बार, नहीं ओके ठीक समझा है, सर। ओके ओके यस ओके या डिटेल में लो एक बार। अच्छा सर, ये तो सर, क्वेश्चन है ना प्लीज सर। समझाइए सर। ओके ओके नो, दीज आर नॉट क्वेश्चंस, दीज आर जस्ट कोड्स। ओके ये क्वेश्चंस नहीं है। ओके यही यही बात मैं आपको बताना चाहता था। कोई बात नहीं, समझो मैं बताता हूँ। ओके चलो एक फैमिली डायग्राम लेते हैं। मुझे जल्दी से पांच नाम बताओ। ओके ठीक है, मुझे जो दिख रहे हैं एक मैं ले लेता हूँ। ओके जाने दो, सीरत, अरशद, ओके सनाम, अम्मार एंड सबा। मैं सोहेल। ओके यस सोहेल। ओके अब और ज्यादा नाम नहीं बढ़ाइए। ओके मेन नाम भूल गए, सुबोध। ओके ये क्वेश्चन में ऐड नहीं होगा बट स्टिल वो वहां पे होना चाहिए। ओके चलो मान लेते हैं, सीरत इज सिस्टर ऑफ असद। ओके सना, ओके मैं अगर आप सबके नाम लूंगा तो आपको ऑकवर्ड फील नहीं होना, वो मदर फादर वाइफ ये सब चीजें ऐड करनी है, उतने मैच्योर तो होंगे ना, या मैं नाम बदल ओके दूं? चलो, नो प्रॉब्लम सर, चल कर लो। हाँ ओके सो सना इज डॉटर इन लॉ ऑफ सोहेल। ओके कौन बचा? असद इज ब्रदर। ओके असद के बारे में लिखा हुआ है, असद इज नहीं जाने दो, मूविंग ऑन। कौन है ये? अम्मार। अम्मार इज ओनली चाइल्ड ऑफ सीरत। एंड फाइनली वी हैव सबा। सबा एंड सना आर सिस्टर्स। ओके अब मान लीजिए मैंने इस तरीके से आपको एक इंफॉर्मेशन दी है, मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दीजिए, आप में से जिन बच्चों ने इसके ऊपर से ट्री डायग्राम ड्रॉ करना शुरू कर दिए तो आई वुड लव टू से दोस्त नहीं करना था, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आखिर आपको करना कैसे है, ठीक है? सो फर्स्ट लिसन टू मी, क्या इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जा सकती है? बिल्कुल। सीरत इज सिस्टर ऑफ असद, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ। सना इज डॉटर इन लॉ ऑफ सोहेल, सर हम लिख सकते हैं ना इस तरीके से, हम इसी तरीके से बात करते हैं। बट माई फ्रेंड, वॉट इफ मैं इसे अलग लैंग्वेज में लिखूँ तो? कैसे? मैंने लिखा सीरत माइनस असद। तो अब तुम में से कुछ बच्चों के दिल में सवाल आएगा, सर कैसे, ये क्या करे आपने सीरत माइनस असद? मैं ये कह रहा हूं कि जब भी ये बीच में माइनस का सिंबल आएगा, इसका मतलब होगा कि जो फर्स्ट मेंबर है सीरत इज सिस्टर ऑफ असद। पक्का हर किसी को समझा नहीं समझा? ये जो फर्स्ट सेंटेंस हमें देखने को मिल रहा है, सीरत इज सिस्टर ऑफ असद, तो ये इज सिस्टर ऑफ, इसके लिए मैं कोड इस्तेमाल कर रहा हूं, माइनस, माइनस का सिंबल यानी इज सिस्टर ऑफ, समझे? ओके यस यस सर, यस सर। ओके आई होप क्लियर है। अब देखो मैंने कहा सना इंटू सोहेल, क्या मतलब है इसका? इंटू का मतलब क्या है? सना इज डॉटर इन लॉ ऑफ सोहेल। क्लियर है? हर यस किसी को क्लियर है? ओके सर, यस सर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके तो अब यहां पर आइए, मैंने यहां पर लिखा ए अपॉन बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज मैरिड टू बी। क्या इसमें इन कोड्स में किसी को दिक्कत है? नो सर।
ओके आई होप सो, ये सारी की सारी, ये बेस, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होता है आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे. ओके वेरी गुड, अगर आप में से हर किसी को समझाए देन आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. ओके चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं. रेडी? हाँ ही बोल देते हैं. रेडी ओके रेडी सो चलो, यस सबसे पहले यहाँ पर देखो डायरेक्शंस दिए हुए, क्या दिए हुए हैं सर सीरो डायरेक्शंस. डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है सर? रास्ता. यस रास्ता होता है, बट यहाँ पर उसका मतलब है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी होगी ये इन्फॉर्मेशन आपको 1 से 8 नंबर के क्वेश्चन तक काम में आएगी. कितने क्वेश्चंस तक? क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन 8. एक और जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिले आप सबसे पहले क्या लोग करोगे, एग्जाम में जाते के साथ आपको वो जो इन्विजिलेटर है उससे रफ पेजेस लेने हैं, ये बात भूलो मत. कई सारे बच्चे ना रफ ठीक पेजेस है नहीं सर. लेते, सबसे पहले रफ पेजेस ले लेते. सीबीटी में क्यों? रफ पेजेस मिलते हैं सर. बिल्कुल बिल्कुल, सीबीटी में रफ पेजेस मिलते हैं, तो उनसे रफ पेजेस ले लेने के, और वो बहुत जैसे वो घर से लेके आ रहा है इस तरीके से एक दो देता है, ठीक है? तो उसको पहले बोल देने का सर ज्यादा लगेंगे, पहले ही दो दे दो. ओके सो 1,000 रुपये फीस भरी हुई, एक दो ज्यादा दे दो बोलेंगे. ओके ऐसा मत बोलिए, ऐसा बोलने के बाद फिर वो आपको टारगेट करता है, ठीक है? मूविंग ऑन. ओके ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी. ओके ये आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को आप एक्सट्रैक्ट करो, क्लूज को निकालो. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? डू दैट प्लस फादर. प्लस यानी क्या? फादर. अब यहां पर जब फादर आप प्लस मतलब फादर इस तरीके से शॉर्ट में लिखते हो तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर आना कि जो पहले वाला होगा वो दूसरे वाले का फादर है. एग्जाम में हम नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बट जब आप शुरुआत में स्टडीज कर रहे हो ना तो आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा. प्लस मीन्स फादर, वाई माइनस मीन्स वाइफ, इनटू मीन्स ब्रदर, एंड डिवाइडेड बाय मीन्स डॉटर. क्या लिखा हुआ? हर किसी को समझा नहीं समझा? समझा सर. पक्का? ओके चलो अब हमें यहां पर अप्लाई करना है. क्या कोई मुझे अप्लाई करके बताएगा? अगर आप जवाब दे सको तो आई विल बी रियली प्राउड, और नहीं दे सके तो मैं सिखाऊंगा फिर जवाब दे दोगे, फिर तब मैं प्राउड फील करूंगा. ओके बताइए आप ट्राई करना चाहो या मैं बताना शुरू कर दूं? सर आप. ओके जगह पे वो रहेगा ना. ओके लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. कोई बात नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं. देखो सबसे पहले तुम्हें दो दो की जोड़ी देगी, सबसे पहले तुम क्या करोगे, दो दो की जोड़ी देखोगे. सी हैव अ लुक, पी डिवाइडेड बाय आर. इसका मतलब क्या है सर? हमें पता है आपने डॉटर लिखा है ना साइड में, वेरी गुड. तो सर इसका मतलब है पी डॉटर है आर की. बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया. अगर आपने ये कर लिया मतलब आप समझ रहे हो. ओके नेक्स्ट, आर प्लस एस. क्या मीनिंग है आर प्लस एस की? आर एस वेरी गुड, आर फादर है का फादर है एस का. आदर फादर बहुत है अच्छे, एस का. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. आर का जेंडर पता चला. इसके बाद लिखा है एस प्लस क्यू. क्या लिखा है? एस प्लस क्यू. इसका एस मतलब क्या फादर है? है क्यों का. एस बहुत अच्छे, फादर वेरी गुड, क्यों का क्यों वेरी गुड, वेरी गुड. एस फादर है क्यू का, जस्ट अ मिनट. का. एस इज एस का फादर जेंडर भी ऑफ मेल है. क्यू. वेरी गुड, पता चल गया हमें. ओके तो अब पूछा गया कि नीचे दिए में से कौन सा स्टेटमेंट 100% ट्रू है. पी इज डॉटर ऑफ क्यू, ये सही है? पी क्यू की डॉटर है? नो सर. नहीं नहीं सर आर की हो, डॉटर है. बिल्कुल नहीं पी है. क्यू इज इज आंट ऑफ डॉटर पी. कहाँ. सी नहीं, इज द नो राइट और नो सर. सी, नो सर पी सी इज इज द द करेक्ट. आंट ऑफ क्यू. सही आसान है? हाँ यस. राइट होगा. नाउ 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 फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब एक बात बोलो, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा था? हार्ड लगा था. बहुत आसान राइट डिफिकल्ट था. यस. एक तो चलो मैं एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा. वेरी गुड सोएब, ठीक है बाद में मैं तुम्हें इंग्लिश भी सिखाने वाला हूँ ना. ओके सो इसके वजह से मैं आज ही कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ. हार्ड
एंड सॉफ्ट चीजें होती है, दोनों। ओके? हार्ड एंड सॉफ्ट चीजें होती है, सॉफ्ट यानी मऊ, क्या कहते हैं उसे हिंदी मुलायम में, मुलायम नरम, मुलायम, यस मुलायम, ओके? और हार्ड उसका अपोजिट, खरदुरा, खरबुरा, खरबुजा, क्या बोलते हैं उसे, सॉफ्ट हाँ सॉफ्ट ओके, हार्ड। क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, ओके? अपने आपका सो क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते नहीं। हैं, डोंट से कि क्वेश्चंस हार्ड है, ओके? वो बहुत छोटे बच्चों वाली गलती है, ऐसा हमें नहीं करना है। एक अगर हमें एक औरत दिखती है तो हम लेडी कहते हैं, लेडीज नहीं, ओके? ये छोटी छोटी गलतियों से बचना है हमें, पढ़े लिखे ना हम, ओके? चलो मूविंग ऑन नाउ। फिर से अब देखो, अब अगर मैंने इसे लिखा नहीं होता, अगर मेरे पास किसी नोटबुक पे या फिर किसी पेज पे अगर मैं ये लिखता ना हूँ, मुझे हर एक बार उसे लिखना पड़ेगा ना, तो इसमें अपना टाइम वेस्ट होता है। इसी वजह से मैं चाहूंगा कि आप में से हर कोई ये जो ट्रिक है, ये जो शॉर्ट है, शॉर्ट फॉर्म है, वो लिख लो। प्लस का मतलब क्या है फादर, लिख लो, क्योंकि 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हमें। माइनस का मतलब क्या है, वाइफ। वाइफ, इनटू का मतलब क्या है, ब्रदर। ब्रदर, और डिवाइडेड बाय का मतलब क्या है, डॉटर। डॉटर, ओके चलो एक बार फिर से, प्लस फॉर फादर, माइनस फॉर वाइफ, इनटू फॉर ब्रदर एंड डिवाइडेड बाय फॉर डॉटर, डॉटर। ओके? आई होप हर किसी को ये क्लियर है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सेकंड क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करो विदाउट गिविंग इट एनी थॉट, ओके? कैसे बोलो, माइनस का मतलब क्या है, ए आंसर है ओके? सर, फर्स्ट ऑफ ए ऑल आंसर वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइव। वेट, ऑल नीड टू सॉल्व इट, ओके? माइनस ये मीन्स आंसर टू है, ओके? वाइफ, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब देना है आपको, ओके? पी माइनस आर, हस्बैंड इसका वाइफ मतलब है, क्या, पी सबर, पी पी की वाइफ है, वाइफ, आर है, आर की पी वाइफ आर की है, वाइफ है, मतलब आर मेल हो गया। प्लस का मतलब क्या है, आर फादर है, किसका, क्यू का, सही है? आर हाँ वो लिखा नहीं होगा तो लिख लो, प्लस का मतलब फादर, माइनस का मतलब वाइफ, इनटू का मतलब ब्रदर एंड डिवाइडेड बाय का मतलब डॉटर, ओके? तो क्या पता चला हमें, पी इज मदर ऑफ क्यू, क्या सही है? सर, सही सही है, ना? ऑब्वियसली सही है। कैसे, यस, वो ये दोनों पी मदर हस्बैंड है, वो दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा दिख है। रहा है, ओके? डायरेक्ट दिख रहा है, ओके? मैं यस, इसका और एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, ओके? नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, पी मल्टीप्लाइड बाय आर, इसका मतलब क्या, पी भाई आर का, पी भाई यार का, आर इज डॉटर ऑफ क्यू, हो गया डॉटर, पूरा क्वेश्चन, हो गया सॉल्व, ओके? अब सवाल पूछ रहे, पी इज अंकल ऑफ क्यू, हो सकता है या तो उसके मम्मी पापा में से कोई तो भी एक होगा क्यू, इसलिए पहला सवाल, पहला ऑप्शन गलत। पी इज फादर ऑफ क्यू, हो ही नहीं सकता है। पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, हो ही नहीं सकता है। पी इज सन ऑफ क्यू, ओके आसान था, जी सर, आसान, सन ऑफ ओके? अगर ये इसमें दिक्कत आई होगी तो प्लीज बोलो, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन करता हूं, करना होगा तो बोलो। हेलो सर, हेलो, यस यस सर, सर, नॉर्मल समझाइए समझाइए सर। सर, ओके, मैंने इसको सिंबल सर एक बार बोलो ना, किस लिए यूज होता है एक बार। प्लस फॉर फादर, प्लस इज फॉर फादर, माइनस इज फॉर वाइफ, इंटू इज फॉर ब्रदर एंड डिवाइडेड बाई इज फॉर डॉटर, ओके? क्लियर यस सर, है, थैंक यू सर, ओके? यस चलो अब चलो फिर से सॉल्व करते हैं। पी इंटू आर, इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था, इंटू का मतलब क्या है, ब्रदर, 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 पी इज ब्रदर ऑफ आर, वेरी गुड। डिवाइडेड बाय का मदर मतलब क्या है, डॉटर, डॉटर, तो आर डॉटर है क्योंकि, हो गया रिश्ता, एकदम क्लियर है, ओके? चलो अब हमें पूछा गया कि नीचे दिए में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो चलो ध्यान दो। पी इज अंकल ऑफ क्यू, पी क्यू का अंकल है, नहीं, पी तो क्यू का बेटा है,
पी इज फादर ऑफ क्यू, नहीं. पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, नहीं. पी इज सन ऑफ क्यू, हाँ. यस समझा? अब पक्का समझा हर किसी को? यस सर समझा ओके चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो बताओ यहां पर क्या लिखा हुआ है, जस्ट गिव मी अ मिनट. आ ये इरे भी नहीं हो रहा था. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो सबके सब एक बार प्लीज. ठीक का भाई आ रहे हैं। आर का और आर वाइफ एक क्यू की ओके नाउ पी इंटू आर, व्हाट डज दैट मीन? ये सर पी पी भाई भाई है आर है। का, ओके. यस और आर माइनस क्यू मतलब क्या? आर वाइफ है, वाइफ क्योंकि क्यू मेल हो गया, क्यू मेल हो गया. यस ओके चलो, पी ब्रदर इन लॉ है क्यू का, सही ऑब्वियस सी बात है, हो गया जवाब. जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो देख लेना. ओके ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ क्या होता है मैंने कल बताया हुआ है. ओके हो गया सवाल इजीली. यस और तुम्हें बता दूं ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है. ओके तो ये थोड़े से हार्ड होता है, लेकिन ये हार्ड क्वेश्चन भी तुम इतने इजीली सॉल्व कर रहे हो, जस्ट समझो कि एक लेक्चर से कितना फर्क होता है. ओके चलो आ जाओ. प्लस का मतलब क्या है? फादर, फादर पी पिताजी है आर के. डिवाइडर का मतलब क्या होता है? डॉटर, डॉटर है क्यू डॉटर की. क्या ये मैंने किस तरीके से लिखा, ये हर किसी को समझा या नहीं समझा? देखो अगर तुम्हें यहां पर दिक्कत आ रही है ना तो मैं समझा था. ओके लेट गिव मी अ मिनट. ये पहला क्यू है, क्या क्यू है? पी आर के पप्पा है, पी इज फादर ऑफ क्यू आर, सॉरी. ये पहला पॉइंट हर किसी को, ये क्लू समझा? ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लू. आर बेटी है क्यू की, आर बेटी है क्यू की. अब सिंपल सी बात है, बच्चा दो माँ बाप से मिलकर बनता है. ओके क्यू का भी वो बच्चा है, आर क्यू का भी बच्चा है, इसका मतलब वो उसके मम्मी होंगे. क्या ये वाली बात तुम समझ पा रहे हो या नहीं? अगर तुम रिप्लाई नहीं दोगे ना मुझे समझेगा नहीं आप समझ पा रहे हो या नहीं. सर समझ गए सर समझ ओके पी गया सर प्लस आर अपॉन क्यू, इसका मतलब पक्का आर को ही समझा हमने. फर्स्ट क्यू हाँ क्लू का इस्तेमाल किया, पी फादर है आर के, पहला क्लू. सेकंड क्लू, क्यू आर की बेटी है, आर क्यू की बेटी है, इन दोनों को जोड़ा है एक बच्चा, फिर इन दोनों की शादी होगी तभी तो वो बच्चा सेम रहेगा, खत्म. पक्का? ओके नाउ यहां पर ऑप्शंस में ऑप्शंस में जो पूछा गया है उसको देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हाँ सिक्स क्वेश्चन था सॉरी. पी इज द फादर ऑफ क्यू, क्या ये सही है? नहीं पी इज फादर ऑफ क्यू, क्या ये सही है? है सर बिल्कुल नहीं. पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, क्या ये सही है? नो सर पी इज मदर ऑफ क्यू. ये यहां पर लिखा हुआ है अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो. हवा ओके टेल मी, क्या इसमें से एक भी सही है? ओके आई थिंक सर हमने ऑप्शंस ऊपर नीचे किए क्या? हाँ ऑप्शन यस क्वेश्चन मैं पहले वही बोलूँ, लिखे ऐसा कैसा हो गया? ओके हमने ऑप्शंस ऊपर नीचे किए, सॉरी माय बैड माय बैड. ऊपर पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, गलत. थर्ड सही है सर पी इज सन ऑफ क्यू, गलत. पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, ओके पक्का. ओके दैट वाज इजी. चलो मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. बताओ क्या कहना चाह रहा है वो सोएब? पी आर के डॉटर है और आर इसका फादर है क्यू का तो वेरी गुड सर, बहुत अच्छे. पहली तो पी इज डॉटर ऑफ आर एंड आर इज फादर ऑफ क्यू, खत्म.
आसान था, श्योर है? यस ओके, दैट वाज रियली इजी। ओके, जिनको नहीं हाँ समझा जी है मैं एक बार फिर से बताता हूँ। कोई बात नहीं, देखो एक दिन में अपन स्मार्ट नहीं बनता है, ठीक है? दीज थिंग्स डस टेक टाइम। ओके, पहला क्यू निकालो, पी अपॉन आर, इसका मतलब क्या है? पी डॉटर है आर की। क्यू आरके नंबर वन, क्यू नंबर वन। नेक्स्ट, आर इज फादर ऑफ क्यू, आर इज फादर ऑफ क्यू। अब चलो क्यों इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो, आर कॉमन है मतलब यहाँ पे भी आर फादर ही होगा, मेल ही होगा। उसकी बेटी है क्यू, सॉरी पी, और क्यू उसका बच्चा है जिसका जेंडर हमें नहीं पता। पता लिख लो। अब चलो बताओ, पी इज फादर ऑफ क्यू, रॉन्ग। पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, रॉन्ग रॉन्ग। रॉन्ग पी इज मदर ऑफ रॉन्ग क्यू, रॉन्ग। पी इज सिस्टर रॉन्ग ऑफ क्यू, डी सही है। यस पक्का हर किसी को समझा? सही ओके, यस आप में से सर जो बच्चे ऐसा फील कर रहे कि सर हम थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, प्लीज डू टेल मी। ओके, अभी बता दो, लेक्चर होने के बाद मत बताना। ओके, मैं यहाँ के यहाँ उसे और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? सर डबल चलो समझाइए सर, समझ में नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं। देखो शायद आप फर्स्ट लेक्चर में नहीं थे। ओके, आप फर्स्ट लेक्चर में होते तो आपको एक बात समझ में आई होती कि हमारे पास क्लूज होते हैं। क्या होते हैं? क्लूज, और उन क्लूज को हमें जोड़ना है। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन से और ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से। पी मल्टीप्लाइड बाय आर, इसका मतलब क्या है? ये पहला क्लू, भाई पी इज ब्रदर ऑफ आर, आर का जेंडर नहीं पता हमें। भाई सेकेंड, आर इज फादर ऑफ क्यू। सर ये बीच वाली लाइन, ये खड़ी लाइन, इसका मतलब क्या है? जिनको ये नहीं पता है प्लीज कल का लेक्चर देख लेना। ओके, कल का लेक्चर देख लेना, उसके सिवा आपको नहीं समझेगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। ऑब्वियस सी बात है, पी इज ब्रदर ऑफ आर, आर इज अ मेल जिसका बच्चा क्यू है। खत्म, बन गई ट्री डायग्राम। यस ओके चलो अब सॉल्व करते हैं। पी इज अंकल ऑफ क्यू, सही है, सही है सही खत्म। बाकी ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत है है। नहीं सर, नहीं? पढ़ने की जरूरत ब्लड रिलेशन के नहीं क्वेश्चंस टू बी ऑनेस्ट 10 से 15 सेकंड में हो जाते हैं टिक करके। ओके, अगर आप उतनी प्रैक्टिस करते हो तो। चलो लास्ट वन इस सीरीज में का बताओ, पी माइनस आर, इसका मतलब क्या होता है? वाई पे आर की बी वाई फायर की। बहुत अच्छे, आर मेल हो गया, आर इंटू बी, यस आर इंटू क्यू, इसका मतलब आर भाई ब्रदर है। है क्यों का, आर खत्म। भाई है क्यों का। ओके, इसके ऊपर से क्या तुम अब सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? यस सर हाँ हाँ ओके बताओ, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, ऑप्शन सी, सही है? ऑप्शन नहीं, सी क्यू इज हस्बैंड ऑफ पी, रॉन्ग रॉन्ग है। पी रॉन्ग इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, हाँ सही सही है सही है प्लीज है। ओके यस शोएब सर। प्लीज। ओके शोएब क्या कह रहे बेटा आप? ऑडिबल टू यू यस 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 ओके ओके। तो सबसे पहले तो हमें 9 से 11 के लिए मतलब 3 क्वेश्चंस के लिए ये डेटा दिया हुआ है। ओके, पहला काम क्या करना है, वो सिंबल्स की मीनिंग लिखना है। प्लस का मतलब डॉटर, माइनस का मतलब हस्बैंड, इनटू का मतलब ब्रदर ब्रदर, और इतना ही है। हम्म। वैसे जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो ना, ये यहाँ के यहाँ दिख जाते हैं। पी प्लस क्यू, इसका मतलब क्या है? पी डॉटर है क्यू की, क्यू माइनस आर, क्यू इज हस्बैंड ऑफ बी, क्यू इज हस्बैंड ऑफ आर, हो गया। ओके, वो अभी इतने जल्दी नहीं आता है, ठीक है, वो धीरे धीरे आएगा, डोंट वरी। चलो आपने लिखे पहले क्लूज, लिखे माइनस का मतलब। नहीं लिखे सर, डबल से बताइए ना। ओके प्लीज यहाँ पे रीड कर लेना। प्लस का मतलब माइनस डॉटर, प्लस का मतलब माइनस नहीं, प्लस का मतलब डॉक्टर डॉटर, माइनस का मतलब हस्बैंड हस्बैंड, इनटू का मतलब
ब्रदर। ब्रदर ओके क्लियर है हर किसी को? इनटू का क्या था सर? ब्रदर 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 देखो आपको वो क्वेश्चन से पढ़ने हैं क्योंकि एग्जाम में मैं आपको ऐसे पढ़ के नहीं बताने वाला। ओके सो आपको क्वेश्चन से देखकर आपको खुद निकालने हैं, उसके बाद टैली करने हैं। गॉट इट? ओके चलो मूविंग ऑन। पी डॉक्टर प्लस क्यू इसका मतलब क्या है? पी क्यों क्यू का डॉक्टर क्यू का नहीं ऑफ पता हमें क्यू का जेंडर, और फिर हमें पता है क्यू हस्बैंड है मतलब वो आर वाइफ आर आर का, का क्यों मतलब आर क्या हो गई? मदर एक वाइफ, पी की वाइफ फीमेल फीमेल। वेरी गुड। तो चलो अब जोड़ो, आर इज मदर ऑफ पी, सही है, सही है सही खत्म। क्या तुम है बाकी ऑप्शंस नहीं देखोगे? सर नो करो वेरी गुड। तो सर आंसर ही आ गया ना हाँ तो नहीं देखना है, कभी नहीं देखना है, याद रखो ये, नहीं चेक कर लेते कभी बार, कई कई बार देखना पड़ता है। क्यों? वो एंड में, बोथ एंड भी, अब जब ऐसा होता है ना तो बस एक बार नजर मार लेना, पूरे पूरे रीड मत करना। ओके चलो, पी इंटू क्यू मतलब पी भाई है क्यों का क्यू का, क्यों क्यू प्लस आर यानी क्यू बेटी है आर की, खत्म, का हो गई ट्री डायग्राम। बताओ पी इज ब्रदर ऑफ आर, नहीं। नहीं पी इज अंकल ऑफ आर, नहीं। पीज़ सन पी इज सन ऑफ ऑफ ऑप्शन आर, सी यस यस। पियर्सन ओके क्या ऑफ क्या तुम ये चीज फील कर पा रहे हो? तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है? समझ पा रहे हैं सर ओके सो दैट्स व्हाई एस ए प्लस, ठीक है। आ जाओ, प्लस का मतलब क्या है? डॉटर, डॉट प्लस पी डॉटर है क्यू की। ओके क्यू इंटू क्यों आर, क्यू क्या है? ब्रदर है ब्रदर है आर आर का। ब्रदर चलो बता सकते हो, पी इज का नीस आर ऑफ आर। ओके इसका जवाब दो, मैं सुनना चाहूंगा सही तुमसे। सही है, कल ही सीखा है अपने, नीस क्या होता है? अपने सिबलिंग का बच्ची, सिबलिंग की बच्ची नीस, और सिबलिंग का बच्चा नेफ्यू। याद है नहीं कल ही बताया था मैंने, क्या आप इसे एक्सप्लेन कराना चाहते हैं? नहीं ओके अरिबा, व्हाट अबाउट अदर्स? आप अगर रिप्लाई नहीं दोगे ना तो फिर वो इंटरेक्शन होगा। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपरली, क्या इसे एक्सप्लेन करना है या आगे चले? करूंगा हाँ नहीं तो आगे ठीक, चले ओके चलता है। आ जाओ 13 क्वेश्चन के ऊपर, 12 से 13 के लिए। अब बताओ, यहाँ पर तुम्हें बताया गया है दो क्वेश्चंस के लिए एकदम सिंपल डेटा दिया हुआ है। हैशटैग का मतलब है फादर, फादर होप मदर प्लस का मतलब है मदर, मदर माइनस का मतलब है ब्रदर, ब्रदर और स्टार मार्क का मतलब है सिस्टर। सिस्टर आई होप एवरी ईच एंड एवरी वन इज क्लियर अबाउट दिस। ओके चलो लिखो, ए प्लस बी इसका मतलब क्या है? ए आ डी है बी के, सही है। की ओके हैशटैग का मतलब क्या? फादर, बी फादर है सी का फादर है सी का। ओके चलो मूविंग ऑन, सी माइनस डी का मतलब क्या है? सी भाई है ब्रदर डी का। ओके चलो अब ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ? ए इज डीज, ए डी का कौन है? फादर, बी उसका उसकी ग्रैंड मदर, फादर ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर मदर हिंदी में यस बताओ रे, दादा दादी या नानी? दादी वेरी गुड सर, दादी। ओके पक्का ये सवाल समझा? सर नॉइज आ रही है मेरे बैकग्राउंड नहीं, ये पक्का समझा हर किसी को? आप ना जब तक बोलोगे नहीं, सर बोलने से एक बार सब होता रिपीट है। रिपीट एक बार हाँ रिपीट बताओ ओके यस, मैं वही कह रहा हूँ, बोलने से होगा, गूगल बेवजह नहीं बोलता है, ठीक है। चलो मैं एक बार इसे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो आपको वो जो क्लूज दिए हुए हैं वो क्लूज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्लूज यू वोंट बी एबल टू सॉल्व एनीथिंग। ओके सो फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड द क्लूज। ओके चलो क्या दिया है क्लू में? ए प्लस बी इसका मतलब है ए मदर है बी की,
ए मदर है बी की, बी हैश सी, इसका मतलब है बी फादर है सी का, सी माइनस डी इसका मतलब है सी ब्रदर है डी का। अब ए और डी में नाता पूछा है, ए का बच्चा बी और बी का बच्चा डी, तो ये ग्रैंड दादी हो गई, मदर। ग्रैंड मदर हो गई, आसान सी बात ओके है, पक्का ओके। ये उसके फादर थे, फादर की मम्मा ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। ओके आई होप हेलो दिस इज क्लियर। ओके हेलो, आई हाँ बोलिए। वांट टू से समथिंग। ओके सर आप जो पढ़ा रहे ना, मतलब ये जो फॉर्मेट है ना क्वेश्चंस का, इसमें मतलब ऐसा ही ऐसे सो ए प्लस बी इसका मतलब है ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट ए इज द आंट ऑफ ई। ओके चलो ये सही में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपके क्लूज के अंडरस्टैंडिंग को सही में टेस्ट करता है। किस तरीके से? क्या आपको सबसे पहले तो ये क्वेश्चन समझा? यस ओके तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, यस। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? वो डायरेक्ट ऑप्शन में से कौन सा वाला यस ऑप्शन राइट है ये बताना चाहिए। हाँ, वो हमसे ये सवाल पूछ रहा है, और तुम्हें पता है जब इस तरीके के ऑप्शन क्वेश्चंस नंबर आते हैं, सी वेट सी फर्स्ट ऑफ ऑल वेट, सही है। ओके हम सॉल्व करेंगे ना। ओके आपको कहीं पे जाना है क्या? आई होप नॉट। ओके सो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके सो है ओके ओके हाँ, तो पहली बात तो ये, आप ये समझो कि आपको किस तरीके से, देखो भागते रहोगे ना कुछ नहीं समझेगा, पहले मैं जो बता रहा हूं उन चीजों को समझो। क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहां पर जब इस वन तरीके से सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, हमें जब इस तरीके से सवाल पूछा जाता है कि ए सर। इज द आंट ऑफ ई, या फिर कोई भी रिश्ता बताया जाता है ना, तो आपको गिवन ऑप्शंस में से सारे के सारे ड्रॉ करने पड़ते हैं, गिवन ऑप्शंस में के सारे ड्रॉ करने पड़ते हैं। और अगर आपकी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं रही, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस, अगर आपकी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं रही तो ये चीज बहुत ज्यादा टाइम लेती है। ओके इफ यू आर लर्निंग दिस फॉर फर्स्ट टाइम, तो अभी एग्जाम से पहले जितना हो सके उतना टाइम दे दो, उतना सॉल्व कर लो, लेकिन एग्जाम में आप उन्हें फर्स्ट टाइम ही फेस कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन से यूजुअली दूर भागना ही बेहतर होता है अगर वो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं तो। ओके बट हमारी प्रैक्टिस है, इस वजह से हम चार चार के चार पूरे के पूरे ऑप्शन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बताओ मुझे, हैश का मतलब क्या है? फादर, प्लस का मतलब फादर, क्या है? मदर। ब्रदर, माइनस का मतलब क्या है? मदर, ब्रदर। और मदर, स्टार का मतलब क्या है? ब्रदर, सिस्टर। ब्रदर, ओके चलो, ए प्लस बी इसका मतलब क्या है? ए मदर है बी यस, की, बी माइनस सी इसका मतलब क्या है? बी ब्रदर है मदर, सी का, सी इंटू डी इसका मतलब क्या है? सी बहन है डी की, और डी हैश ई इसका मतलब क्या है? डी फादर है ई का। क्लियर है? अब यस हमसे पूछा गया ए इज आंट ऑफ ई, क्या इस तरीके से कोई बात बन रही है? ए और नो ई का रिश्ता बताओ। नो ए और ई का रिश्ता बताओ। ग्रैंड वेरी गुड, ए इज ग्रैंड मदर। कैसे? मदर। उसके पप्पा डी है, सी उनके आंट है, बी उनके अंकल है, आंट का या फिर अंकल के पिताजी, माता जी आई मीन मदर, पप्पा की भी मदर ही होती है ना, सो दैट्स व्हाई ग्रैंड मदर। वेरी गुड सोएब, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन अरे बी और डी एलिमिनेट होगा कौन सा? ना, बी और डी, सबर ऑप्शन सोहेब, सबर जरा, मैंने बी कहा ना सारे के सारे ऑप्शन सॉल्व करने, क्यों तुम्हें एलिमिनेट करने? अभी तुम लर्न करने को तैयार ही नहीं हो सोहेब, क्लास में मिलो आप, ओके बेटा पक्का है। ओके चलो ध्यान दो, ए हैश बी इसका मतलब क्या है? ए इज फादर ऑफ बी, बी इंटू सी इसका मतलब क्या है? बी इज सिस्टर ऑफ सी, सॉरी। सी प्लस डी इसका मतलब क्या है? सी इज मदर ऑफ डी, एंड डी माइनस ई इसका मतलब क्या है? डी इज ब्रदर ऑफ ई। अब यहां पर ओके
ए और ई का रिश्ता बताइए। ग्रैंड ग्रैंड मदर, ऑब्वियस सी बात मदर, है। यस यस, ग्रैंड मदर ऑब्वियस सी बात है। फॉर्म मदर। ओके चलो थर्ड कंडीशन पर आते हैं। ए इंटू बी, इसका मतलब क्या है? ए सिस्टर है बी की, बी हैश सी, इसका मतलब क्या है? बी इज फादर ऑफ फादर सी। ठीक सी इंटू है डी, इसका मतलब क्या है? सी इज सिस्टर ऑफ डी बी एंड डी माइनस ई, इसका मतलब क्या है? डी इज ब्रदर ऑफ ई। ई तो ई ए की आंट हो गई। सर। ओके सी इज करेक्ट आंसर, जैसा सोहेब ने कहा था। ओके बट फर्स्ट हमें सारे के करेक्ट सारे आंसर क्वेश्चन है सॉल्व ठीक करने चाहिए। ओके गॉट इट? सर, अगर यस सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा सर इसमें। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14 16। हमें तकरीबन हमारे पास मॉडरेट लेवल के 50 क्वेश्चंस हैं। ओके सो जितना हो सके हम अभी क्लास में करेंगे, और जो आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप दिया गया है उस पे जो ओनर है उनको मैसेज कर दीजिए, वो आपको वो पीडीएफ सेंड कर देंगे। ओके नाउ मूविंग ऑन। पी इंटू क्यू मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू, पे अटेंशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है? फादर फादर, वेरी गुड। प्लस का मतलब क्या है? मदर। मदर, माइनस का मतलब क्या है? सिस्टर। सिस्टर, डिवाइडेड बाय का मतलब क्या है? ब्रदर। ब्रदर। ओके इन द एक्सप्रेशन हाउ इज एम रिलेटेड टू बी, हाउ इज एम रिलेटेड टू बी। ओके चलो सॉल्व करो। बी प्लस डी, इसका मतलब क्या है? बी इज मदर ऑफ फादर डी। डी इंटू एम, इसका मतलब क्या है? डी इज फादर ऑफ, ऑफ इंटू मतलब एम फादर, डी इज फादर ऑफ एम। एम ओके अब एक बात, अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने पैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो क्या हमें अभी एम का जेंडर पता है क्या? नहीं, एम का जेंडर आगे वाले क्वेश्चन से सॉल्व, आगे वाले स्टेटमेंट से क्लियर होगा। एम अपॉन एन, इसका मतलब क्या है? एम इज ब्रदर ऑफ एन। ब्रदर एन ओके। अब एंड एम बी से कैसे रिलेटेड है, हमसे ये सवाल पूछा गया। ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर, ओके ग्रैंडसन क्लियर है? ग्रैंड, ओके ओके आई होप सो। अगर आप ये लास्ट के दो पॉइंट्स नहीं पढ़ते हैं ना, अगर आप ये लास्ट के दो पॉइंट्स नहीं पढ़ते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, बट यहाँ पर क्लियरली बताया हुआ है ना कि एम इज ब्रदर, ब्रदर मतलब मेल, तो ये हो गया ग्रैंडसन। पक्का ये हर किसी के लिए क्लियर है? ओके ओके यस ओके सो कम ऑन नाउ मूव ऑन। क्या तुम में से हर किसी ने ये लिख कर लिए हैं ये सिंबल्स की मीनिंग, क्योंकि हम साइड चेंज कर रहे हैं। आप फादर, सर, हाँ यस मदर, सिस्टर एंड ब्रदर। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट जे इज द सन ऑफ एफ। ओके आ गया फिर से वो टाइप का क्वेश्चन जिसके बारे में शोएब हमें बता रहे थे। ठीक है तो वो जो बात बता रहे थे उस बात को पहले फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले हमें जे का जेंडर पता करना चाहिए। जे इज सन ऑफ एफ, तो जे मेल चाहिए। जे कौन चाहिए? मेल। मेल तो मेल होने के लिए अपने पास कौन से ऑप्शंस हैं? जब भी जे के बाद डिवाइडेड आएगा, जब भी जे के बाद डिवाइडेड आएगा, इसका ठीक मतलब क्या है? वो मेल है। मेल ओके जे के बाद प्लस आता है, मेल जे के बाद प्लस आता है। ओके जस्ट अ मिनट, मैंने लिखने में गलती की। प्लस का मतलब मदर है। ओके प्लस का मतलब मदर है। तो क्या बी मदर वाला ऑप्शन, क्या बी वाला ऑप्शन एलिमिनेट होता है? ये ओके जो बात सोहेब कह रहे, शोएब कह रहे थे। ओके सो नाउ चलो ध्यान दो। नेक्स्ट जे भाई है आर का, जे भाई है आर का, आर सिस्टर है टी ठीक की। ओके लिख लो, आर सिस्टर है टी की, टी फादर है
एफ का, तो जे इज सन ऑफ एफ, ऐसा कुछ रिश्ता बन रहा है इसमें? यस और नो? नो नहीं, बिल्कुल नहीं। जे तो एक तो उसके अंकल सर। हो रहे एफ के, सो फर्स्ट इज नॉट एक्यूरेट। यस सर, सेकंड में आओ, यस सर। जे इज ये ब्रदर सन ऑफ ऑफ एम, एम इज सिस्टर ऑफ एन, एन एन इज मल्टीप्लाइड बाय फादर ऑफ एफ। ओके, तो अब बताओ क्या इसमें वो जे इज सन ऑफ एफ वाला रिश्ता एस्टेब्लिश हो रहा है? नो सर, नहीं, नहीं, नहीं हो रहा है। प्लीज एक बार चेक कर लीजिए कैसे हो रहा है। कैन ओके, सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसा जवाब नहीं आएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्लियर अबाउट दिस, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका मतलब होता है ऐसा हम जवाब ही नहीं निकाल सकते। अगर हम उसकी अरेंजमेंट अच्छी तरीके से करते हैं तो हम उसे निकाल सकते हैं ना, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। इसका जवाब आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से एक भी नहीं है। क्या दोनों बातों में का माइंड। फर्क समझ में आया? नहीं ओके, आई होप सो, क्या आपको ये बात समझ में आई होगी? सर, ओके, द आंसर इज नन ऑफ दीज। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, वो वाले पार्ट पे से। ठीक है, चलो। ओके, मैं इरेज करने तक आई वॉन्ट कि आप सॉल्व कर लो। बताओ, आर इज नीस ऑफ एम, तो पहला काम जो हम करेंगे क्या करेंगे, आर फीमेल बतानी है। एलिमिनेट आर क्या करनी है, फीमेल बतानी है। फीमेल चलो, फीमेल कौन से सिंबल से बताई जाती है? उसके बाद या तो माइनस प्लस आना चाहिए, सॉरी माइनस आना चाहिए। या फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस ओके, आर के बाद प्लस और माइनस आना चाहिए। ओके, यस। माइनस कहाँ कहाँ पर आर के बाद माइनस है? बस एक कंडीशन में, यहाँ पर है। में भी है। ओके, तीन क्वेश्चन ही में है। चले क्वेश्चन गया, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अब दिखाई दे रहा, पहले इक्वल चले गया था। ओके, ए में नहीं है, डी के बारे में हम बात ही नहीं बी करेंगे, ऑप्शन बचते सिर्फ बी और सी। चलो सॉल्व करो। सी, सी ओके, एम माइनस जे इसका मतलब क्या है बोलो? एम इज सिस्टर एमपीस ऑफ जे, जे जे प्लस आर का मतलब क्या है, जे इज जे मदर ऑफ मदर ऑफ आर, आर एंड आर आर माइनस इसका मतलब क्या है, आर इज सिस्टर ऑफ एन एन। यस हो गया होगा एम सर। के सिबलिंग की बच्ची, आर हो गई। ओके, यस हाँ सोहेब, हैंड रेस किया है, बोलो। वही ऑप्शन है, वही बोल रहा था। ओके, क्या ये पक्का हर किसी को समझा? ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो, ए डॉलर बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। डॉलर का मतलब क्या है, फादर मदर। हैश का मतलब क्या है, फादर फादर। एट का मतलब क्या है, हस्बैंड। ओ, हस्बैंड परसेंट का मतलब क्या है, डॉटर। डॉटर। ओके, चलो मूविंग ऑन। व्हाट रिलेशनशिप ऑफ पी विथ टी? चलो, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, क्यू इज मदर ऑफ वाइफ एम, एम एम इज फादर एम ऑफ, इज टी टी फादर ऑफ टी एम इज फादर ऑफ टी। टी ओके, पी का टी से क्या रिश्ता है, पी कौन हो गए उनके? ग्रैंडफादर। देखो, टी के फादर उसके पैटर्नल ग्रैंडफादर, क्या ये बात पक्का हर किसी को समझे? पैटर्नल पापा की तरफ पिताजी की से तरफ से, फादर, पापा की तरफ से, हमने कल ही देखा था। पप्पा के पप्पा, पैटर्नल पैटर्नल। आई होप दिस ग्रैंडफादर। इज क्लियर, क्योंकि कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ओके, मूविंग ऑन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स आर इज द सिस्टर ऑफ
एच। ओके चलो, सबसे पहले तो आर के बाद हमें क्या चाहिए? फीमेल वाले डॉलर सिंबल, और परसेंटेज डॉलर और परसेंटेज। परसेंटेज। आर के बाद यहां पर है, यहां पर हाँ है, यहां पर नहीं, यहां पर भी नहीं। ओके अब बस हमें कौन से ऑप्शन देखने हैं? और ओके चलो, आर परसेंटेज बी डी, इसका मतलब क्या है? डी की बेटी है आर, आर डी एट एफ, इसका मतलब डी हस्बैंड है एफ का एफ का, मतलब एफ फीमेल हो गई, एफ डॉलर एच, इसका मतलब एफ मदर है मदर है एच की। एच की। ओके तो क्या ये बी वाला सिम ऑप्शन इस चीज को डिटरमाइन करता है या नहीं, बताओ? आर और एच सिस्टर, आर एच की सिस्टर है। यस यस गॉट इट। क्या सी को सॉल्व करने की जरूरत है? नो सर। नहीं, दिस वॉज इजी, गॉट इट। ओके चलो, सर ओके आई होप तुमने वो लिख कर लिए होंगे। ओके जस्ट अ मिनट, मुझे भी लिखने दो। मदर, फादर एट हस्बैंड परसेंटेज डॉटर। चलिए डॉट मूविंग ऑन टू द 19th क्वेश्चन। हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच? एफ एट डी, इसका मतलब क्या है? हस्बैंड वाइफ है, हफ हस्बैंड है वाइफ हस्बैंड है, डी का मतलब डी वाइफ है, डी परसेंटेज की, इसका मतलब डी डॉक्टर है, डी का सिस्टर है के की, डॉटर है के की, डी डॉक्टर है के की। ओके के फादर हैश एच, इसका मतलब क्या है? के फादर है एच का, ये दोनों भाई बहन हो एच गए। एफ का। रिलेटेड टू एच, एफ और एच का रिश्ता क्या? कैन नॉट बी डिटरमाइंड या ब्रदर इन लॉ, सवाल ये। ब्रदर इन लॉ रिलेटेड कैन नॉट ब्रदर बी इन ओके। अब मैं सवाल चेंज कर रहा हूं, हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ? ब्रदर इन लॉ कैन वेरी नॉट गुड। बी व्हेन एच इज रिलेटेड टू एफ, अगर हम ऐसा सवाल पूछते तो उसका जवाब आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और ऐसा जवाब क्यों आएगा? क्योंकि एच का जेंडर बिकॉज पता नहीं है, हमें एच का जेंडर जेंडर पता नहीं है। आइडेंटिफाइड नहीं पक्का ये वाला सवाल हर किसी को समझा? सर। ओके नाउ मूविंग ऑन टू द 20th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स एच इज ब्रदर ऑफ एन? एच के बाद में हमें कौन से सिंबल चाहिए ब्रदर के लिए? डॉलर मदर बताता है, डॉलर मदर बताता है ना? डॉलर एट द रेट हाँ सॉरी ओके हैशटैग दोस्त सोहेब, सबर, ठीक है हैशटैग सबर। ओके हैशटैग एट और द एट। रेट एट ओके चलो, एच के बाद हैशटैग चाहिए, रेट हैशटैग चाहिए, यहाँ पर भी एच के बाद हैशटैग है। सर ओके और यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं है। आंसर चलो फर्स्ट और सेकंड यही दो ढूंढने हैं। चलो एच हैशटैग एफ एन, इसका मतलब क्या है? एच फादर एच एन का वेरी गुड, एच इज फादर ऑफ एन। एन एन डॉलर डी, मदर इसका मतलब क्या है? एन इज मदर ऑफ डी डी। डी डॉलर एन का डी मतलब क्या है? एन की मदर डी एन डी इज मदर ऑफ मदर एन। डबल ओके डबल ये क्वेश्चन में उनसे थोड़ी सी गलती हो गई। आया सर एन उसमें हाँ शायद उनसे ऑप्शन देते हुए थोड़ी सी गलती हो गई। ओके और बैड लक के लिए, आंसर हाँ क्योंकि ये ऑप्शन ही गलत है, नॉन ऑफ दिस ठीक नहीं है सर ऑप्शन गलत है ऑप्शन उसमें। सही है ओके नॉन ऑफ दिस आंसर होगा ओके सेम वही बात इन्होंने फिर से दोहरा है। वहां पर ऑप्शन तो गलत है ओके ठीक है, सो बी चेक कर लिया हर किसी ने फर्स्ट ऑफ ऑल? बी क्या ओके पहले बी को चेक करो,
देखो एक एक मार्क्स से रैंक मैटर करता है, ठीक है? तो सबसे पहले बी को टैली तो करो ना, बी को टैली किया है हर किसी ने? ठीक है, पहले बी को टैली करो। एन इज डॉटर ऑफ एफ, नहीं। एफ इज हस्बैंड ऑफ डी, डी इज मदर ऑफ एच, एच एच हैश फादर ऑफ आर आर, एच इज आर ब्रदर ऑफ एन। ये दिखा दिया ना इसने, बी ऑप्शन ने। आर ओके, नन ऑफ दिस क्यू? बी ऑप्शन बता रहा है ना, एन और एच ब्रदर एंड सिस्टर्स है बोल के। ओके, सो एक एक मार्क मैटर करता है। ओके, एग्जाम में आपने देखा है ना, आपके रिश्तेदारों में बहुत से लोग आपको मिले होंगे, बस 2 मार्क से रह गया, 3 मार्क से रह गया, आप उनमें से एक बनना हाँ चाहते हो क्या? ठीक ओके, रीजनिंग में पेशेंस। ओके चलो, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का भी। जी डॉलर एम, जी इज मदर ऑफ एम, एम एट के, एम इज हस्बैंड ऑफ के के, हाउ इज के रिलेटेड टू जी? बहुत इजी है, डॉटर डॉटर इन लॉ। इन लॉ डॉटर पक्का? इन लॉ हाउ इज के रिलेटेड टू जी? डॉटर इन लॉ ओके डॉटर इन लॉ ओके, सो अब देखो हमारे पास और कुछ क्वेश्चंस है, और कुछ नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चंस है। आई वॉज होपिंग कि आज हम ये थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के ये वाले क्वेश्चंस कर सके, ठीक है? बट इट्स 9:43। क्या थोड़े से थोड़ा टाइम है हर किसी के पास, थोड़े से और डिफिकल्ट एक दो क्वेश्चंस लेते हैं, या फिर कल के नेक्स्ट लेक्चर में ले लें? यस सर कल के लेक्चर में ले यस लें, सर इसको लेते यस हैं है अभी या? कोई प्रॉब्लम नहीं ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं जो ना सर। फैमिली डायग्राम के ऊपर होता है, ठीक है? सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? ओके जस्ट अ मिनट। इन अ फॉर्म फैमिली देर आर 9 फैमिली मेंबर्स, दैट इज पी क्यू जे के एल ओ जेड एक्स एंड वाई। ओके चलो, गलती नंबर वन जो तुम में से बहुत सारे बच्चे करते हैं वो क्या है? इस तरीके के क्वेश्चंस में तुम सारे के सारे मेंबर्स के नाम लिख के लेते हो, तो पहला काम ऐसा नहीं करोगे, ठीक है? वो स्क्रीन पर है ना, तो उन्हें रहने दो, उन्हें लिख कर लो मत। नेक्स्ट, देर आर 3 जनरेशन हैविंग 3 मैरिड कपल्स। ओके, ये भी इंफॉर्मेशन बहुत सारे बच्चे लिख कर लेते हैं, नहीं लिखनी है। ओके उसे बैक ऑफ द माइंड, जब हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस को टैली करने के लिए, आंसर को टैली करने के लिए, तब हम देखेंगे, तब तक के लिए जरूरत नहीं है। ओके क्लूज शुरू हो गए, जैसा कि मैंने तुम्हें कल ही कहा था। क्या कहा था? कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें डिटेक्टिव ही बनना है। ओके चलो, क्लूज को कलेक्ट करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्लू? पी हैज ओनली 3 चिल्ड्रन, इन विच वन इज डॉटर एंड 2 आर सन। पी के 3 बच्चे हैं, वन इज डॉटर एंड अदर 2 आर सन। ओके गुड, मैंने खुद ने ही उल्टा लिख दिया, ठीक है? वन इज डॉटर एंड अदर 2 आर सन। क्लू नंबर वन। सेकेंड, क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, लिख लो ऐसा, पी हस्बैंड हो गया। ओके थर्ड क्लू, के इज द सिस्टर ऑफ जे एंड एल। पक्का? नेक्स्ट यस फोर्थ वन, जे अनमैरिड। फिफ्थ, जेड इज सन ऑफ वाई, फाइन वाई का सन जेड। ओके वो बड़ा सा पेज मांग लेना। सिक्स, ओ इज द कजिन ऑफ, इधर गए, ओ इज द कजिन ऑफ जेड। कजिन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना, ये किस तरीके से ड्रॉ करते हो उसका मतलब क्या है ये समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों के अलग अलग माँ बाप हो गए, वो सिंगल लाइन मतलब क्या, उनके बीच में सिबलिंग वाला रिश्ता होगा और वो उनके बच्चे हैं। गॉट इट?
यस ओके सर। ओके, सेवेंथ वन, व्हाट इज द सेवेंथ वन, कहाँ पे था वो? वाई इज द एल इज द सन ऑफ वो, ओके एल इज द सन ऑफ पी, पी ओके नेक्स्ट एट्थ वन, वाई इज द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, ओके नाइन्थ, एक्स इज सिस्टर इन लॉ ऑफ के, ओके अब इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर रहे हैं। अब देखो सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या है, उसका कोई सिबलिंग है जिसकी शादी के साथ हुई है, और के हु इज मैरिड टू वाई, बाय। पक्का ये समझा? ये नाइन्थ क्लू मैंने कैसे लिखा, ये पक्का हर किसी को समझा? देखो वर्क बोर्ड में बहुत ज्यादा मैक्सिमम चांसेस है इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, बट बाकी एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट सॉल्व कर लिए तो आसान सॉल्व करना और ज्यादा आसान होता है, दैट्स व्हाई ये मुश्किल क्वेश्चंस भी हम ले रहे हैं। ओके सो ये मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट लेवल में इससे मुश्किल है, बट स्टिल एक्स इज सिस्टर इन लॉ ऑफ के, ये कैसे लिखा मैं एक बार फिर से लिख के बताता हूँ, नाइन्थ क्लू देख लो ध्यान दो, एक्स इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, एक्स फीमेल है, उसका कुछ तो भी सिबलिंग है, उसकी शादी के से हुई है, और आगे बताया के हु इज मैरिड टू वाई, पक्का? यस ओके आई होप सो, एंड द लास्ट क्लू इज वाई हैज नो सिबलिंग्स, वाई हैज नो सिबलिंग्स। ओके अब एक बात बताओ, क्या आप यहां पर क्लूज को जोड़ सकते हो, कैसे? मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा तुमसे, हाउ यू आर गोइंग टू ज्वाइन द क्लूज, जो कल के लेक्चर में थे कम से कम मैं उनसे तो उम्मीद रखता हूं कि आप क्लूज को कैसे जोड़ोगे। कपल में जैसा कि मैंने तुम्हें कल ही कहा था, जब हम क्लूज को जोड़ रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, कॉमन पॉइंट्स ढूंढने होते हैं, क्या ढूंढना होता है, कॉमन पॉइंट्स, सबसे कॉमन। पहले कॉमन पॉइंट्स ढूंढो, और कॉमन पॉइंट्स को ढूंढते ढूंढ कर उन्हें ऐड करते हुए चलो, सो हाउ, ओके यहां पर पी का हमें कॉमन पॉइंट दिखाई दे रहा है, यस चलो पी एक मेल है, पी एक मेल है जिसकी शादी मेल है क्यू से हुई है, उसकी उसके तीन बच्चे हैं, उनके तीन बच्चे वाइफ हैं जिनमें से एक लड़की है, दो लड़के हैं, राइट? है लड़की है। ओके चलो अब देखो यहां पर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बाद क्या तुम्हें सातवां पॉइंट दिखाई दे रहा है, पी का एक लड़का है एल, यस क्या तुम्हें सातवें पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है जहां पे तुम्हें बताया गया एल एल का भाई सिबलिंग है है जे और उसका भाई है पी, एक सॉरी के, माय बैड, यस के यस आई नो के बहन है, और हमें पहले ही पॉइंट में कहा था एक लड़का है एक लड़की है और दो लड़के, जे का लड़की जेंडर फिक्स हो गया, हो। यस ओके अब देखो इस पॉइंट के बाद क्या तुम्हें नवा पॉइंट दिखाई देता है, क्या है नवा पॉइंट, के की शादी वाई से हुई है, वाई मेल हो गया, उसकी बहन एक्स हो गई, हाँ ओके चलो, वाई का बेटा और वाई का बेटा जेड जेड हो गया, पक्का? सर। ओके तो अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये समझ में आया? हाँ यस सर हाँ ओके मुझे आवाज नहीं आ रही है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम इसे सॉल्व करते हो, लेकिन लेकिन ठीक है कुछ लेकिन वगैरह नहीं, इट्स 9:53, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम कल के लेक्चर में लेते हैं, कल का लेक्चर अपना डिफिकल्ट से ही शुरू होने वाला है, ओके आपके कुछ क्वेरीज होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना, अभी के लिए बाय बाय, कल हम इसका डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसे भी एक बार फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है?
क्यों? क्योंकि इसे बहुत ज्यादा करीब करीब में लेकर इवन मुझे ही वो क्लूज समझ में नहीं आ रहे क्या लिखे हुए हैं। ठीक है, सो इसे एक बार फिर से कर लेंगे और आगे के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो हैव अ ग्रेट नाइट एंड बाय बाय।